गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खैरा। हमारे यहाँ 1 साल और 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स फ्री में करवाया जाता है। एडमिशन शुरू हो गई हैं, जल्द से जल्द संपर्क करें क्योंकि सीटें सीमित हैं। जिला बिलासपुर के तहत आने वाले जामली इलाके से जयनगर रोड पर बुधवार को HRTC की बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा शाम करीब 6:45 के बीच हुआ। हादसे के बाद सभी घायलों को निजी वाहनों से हॉस्पिटल ले जाया गया। आपको बता दें, ये बस यात्रियों को लेकर नालागढ़ से बायासवार घाट होते हुए जयनगर जा रही थी और जामली से जयनगर सड़क पर करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर बस सड़क से 100 फुट नीचे पलट गई। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। जी सर, प्लीज। जी सर, मैं आज जैसे आपको ज्ञात है, नालागढ़ से जयनगर जो बस जा रही थी वाया जामली होके, वो तकरीबन जो फील्ड से रिपोर्ट आ रही है उसमें 100 मीटर के आसपास नीचे की तरफ गिर गई है, जिससे 2 कैजुअल्टी अभी तक बताई जा रही है। 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है और बाकी 25 इसमें इंजर्ड थे, और जो 25 में से 2 हमने रेफ़र किए हैं PJ, बाकी सब 23 लोगों का यहाँ पर उपचार चल रहा है। कुछ लोगों को मेजर इंजरी है, जैसे वहाँ पीछे आप देख रहे हैं, इनको तकरीबन बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा शायद 70 टांके लगे हैं, और भी कुछ लोगों को फ्रैक्चर है, पर ओवरऑल जो है अभी तक कैजुअलिटी की संभावना और अभी नहीं, तो टोटल कुल मिलाकर 27 लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जिनमें से 2 ब्रॉड डेड। एक्सीडेंट का रीज़न क्या रहा है सर, कुछ आइडिया? एक्सीडेंट का रीज़न वही बता रहे हैं कि 100 मीटर के आसपास बस नीचे चली गई है, बाकी अभी जाँच में पता लगेगा कि क्या इसमें एग्जैक्टली बस के गिरने का कारण होगा, तो पता नहीं लग पाया है, और हमारी सारी टीम्स, एम्बुलेंसेज, डॉक्टर्स, दोनों SDM सब वहाँ पे। सर, फौरी राहत दी गई है इसको? जी हाँ, फौरी राहत का सारा अरेंजमेंट है। जो मृतक हैं उनको 25,000 के तौर पे अभी फौरी राहत एकदम से दी जाएगी। जिनको मेजर इंजरी डॉक्टर्स बताएंगे उनको 10,000 और बाकी उनको 5,000, जैसे कि एज पर नॉर्म्स है, फौरी राहत दे दी जाएगी। आज जिस तरह से नालागढ़ डिपो की बस जो नालागढ़ से जयनगर जा रही थी, हमारे जिला बिलासपुर के जामली के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई, जैसे पता लगा 27 सवारियां उसमें थी, 2 की मौत, एक नौजवान लड़के की और एक महिला की मृत्यु हो गई। 2 को PGI रेफ़र किया गया जो गंभीर है, और 23 का इलाज यहां पर चल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रशासनिक अधिकारियों का जिन्होंने तुरंत मौके पर जाकर, और वहाँ की स्थानीय जनता का जिन्होंने वहाँ मौके पर सभी घायलों को वहाँ से निकाला और तुरंत यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाया, और डॉक्टर की टीम जो है उसका इलाज कर रही है। प्रशासन ने बड़ा मुस्तैदी से काम किया है, और फौरी राहत के रूप में भी जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 10,000, और जो कम घायल हैं उनको 5,000 फौरी राहत, और जिनकी मृत्यु हुई उनको 25,000 फौरी राहत देने का निर्णय लिया है, और वो राहत राशि जारी भी कर दी है। मैं घायल जिन की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, और घायलों के शीघ्र वो स्वस्थ हों उनकी कामना पर पूजनीय परमात्मा से करता हूँ। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।